यहाँ से पाकिस्तान रह गया है सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर, लास्ट विलेज ऑफ इंडिया 3.5 किलोमीटर। जो ग्रीन एरिया देख रहे हो ना, ये ग्रीन एरिया, ये वाला, ये पाकिस्तान है। यहाँ पे एक चेक पोस्ट और हमें मिली, बॉग टैंक। यहाँ से 8 किलोमीटर है इस चेक पोस्ट से, तो बॉग टैंक से 8 किलोमीटर पहले एक चेक पोस्ट थी, वहाँ उन्होंने हमारा परमिट चेक किया और गाड़ी नंबर एंटर किया, कितने लोग जा रहे हैं, क्या है, और फोन नंबर, और उसके बाद फिर हमें जाने दिया। पहुंच चुके हैं बोदांग विलेज, BOGDANG बोदांग विलेज। मैं शायद स्पेल गलत कर रहा हूं, बट ये छोटा सा कस्बा है, छोटा सा एरिया है, स्कूल्स भी हैं यहाँ पे, हॉस्पिटल्स भी हैं यहाँ पे, सारा PRO मैनेज कर रहा है। छोटी छोटी शॉप्स भी दिखेंगी आपको, लेकिन सब बंद पड़ी हैं फिलहाल के लिए। तो थोड़ा सा कस्बा, इसके आगे फिर पड़ेगा तुरटुक गाँव, और उसके आगे पड़ेगा थैंग, THANG। गाँव में सड़क थोड़ी सी खराब है, सड़क बना रहे हैं यहाँ पे, रोड़ी वगैरह सब बिछा दी है। अब हो सकता है इसके ऊपर सीधा तार पोल डाल के और सीधी रोड बना दें। पुल चल रहा है भाई, मतलब पुल बनने की तैयारी में है, पूरा खड़ा कर दिया पुल। तुरटुक विलेज, और उसके आगे पड़ता है 10 किलोमीटर के आगे थांग विलेज, THANG थांग विलेज। इन दोनों की भाई हिस्ट्री अपने आप में बहुत बहुत, मतलब आपके अंदर ना जोश पैदा कर देगी। वन व्हीकल एट अ टाइम, इस पुल से एक ही व्हीकल एक ही बार में निकलेगा। वो ट्रक आ रहा है वहाँ से, तुम रुक जाओ, होल्ड कर लो। स्पीड लिमिट 5 किलोमीटर पर आवर, 1 व्हीकल एट अ टाइम। पुल हिल रहा है, ट्रक आ रहा है, तो इधर को टक टक टक, पुल हिल रहा है भाई। इस पुल पे एक टाइम पे एक ही व्हीकल निकलता है, ए वन मैन आर्मी। मेरे पीछे मेरी गाड़ियाँ चल रही है, काफिला चल रहा है। यहाँ पे जो स्पीड लिमिट है 5 किलोमीटर पर आवर, तो गाड़ी बहुत धीरे चल रही है। तो मैंने कहा मैं पैदल जाके थोड़ी सी आगे जाके शूट कर लेता हूँ। धुआं सा उठा दिया भाई, काम चल रहा होगा इधर, तभी धुआं उठ रहे हैं। सड़कें देख रहे हो, सड़कें बिल्कुल नई सड़कें हैं, बहुत तरक्की पे चल रहा है भाई हमारा हिंदुस्तान। ये जो व्यूज है यार, ये कहाँ आपको मिलेंगे देखने को। मनाली मनाली सब फेल है भाई इसके आगे। जिस विलेज हम जा रहे हैं ना, तुरटुक विलेज, ये विलेज पहले पाकिस्तान के कब्जे में था 22 से 24 साल तक, और उसके बाद हमारे हिंदुस्तान ने उसको वापस लिया 1971 की वॉर में, 1971। वेलकम टू तुरटुक विलेज, तुरटुक। तो मैं आपको इस विलेज की कहानी बता रहा था, 1947 एंड 48 में जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था कश्मीर को लेकर के, उस टाइम पे पाकिस्तान ने हमसे चालाकी से ये तुरटुक विलेज छीन लिया था, कब्जा कर लिया था इस पे। और ये 1948 से लेके 1971 तक पाकिस्तान के कंट्रोल में था, लेकिन 1971 में जब वॉर हुई तो इंडिया ने वापस से ये तुरटुक विलेज हासिल किया, वापस से ये विलेज को अपने कब्जे में लिया। लेकिन जब 1971 में इंडिया ने इसको दोबारा टेक ओवर किया, तो उस टाइम पे जो वहाँ के लोकल्स थे वो पाकिस्तानी आर्मी में भी सर्व कर रहे थे, तो उस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट ने उन लोगों को पाकिस्तान के लिए रवाना कर दिया।
वन व्हीकल एट अ टाइम। थांग विलेज चेक पोस्ट पे भी हमें रोका गया, वहाँ पे भी सब चीजें एंट्री कराई गई, परमिट देखा गया हमारा। परमिट लेना जरूरी है भाई, परमिट ले लेना। वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ जाकर के बस डिटेल भरो और आपको परमिट मिल जाएगा। परमिट के चार्जेस 440 पर पर्सन, ज़्यादा दिन ले में रुकोगे या लद्दाख में रुकोगे 20 रुपीज़ पर पर्सन पर डे का एडिशनल चार्जेस है, तो जितने दिन रुकना उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेना अपना। यहाँ से पाकिस्तान रह गया है सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर, सिर्फ 5 किलोमीटर है। यहाँ से टैंग विलेज रह गया है 3.5 किलोमीटर, और उसके आगे 2.5 किलोमीटर के बाद में पाकिस्तान लग जाता है, तो बिल्कुल बॉर्डर के बहुत करीब आ चुके हैं, बहुत करीब। लास्ट विलेज ऑफ इंडिया 3.5 किलोमीटर, लेकिन हमारे लिए है ये फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया 3.5 किलोमीटर। सारे बाइक राइडर्स आए हुए हैं। इतना गर्व महसूस हो रहा है यार मुझे इस टाइम पे, कितना प्राउड फील हो रहा है यार, मतलब मैं आपको ना बता नहीं सकता यार, इतना प्राउड फील कर रहा हूँ। इतना दिनों से इतनी, मतलब मेरे पे शब्द नहीं है बोलने के यार, मैं कितना ज़्यादा एक्साइटेड था यहाँ आने के लिए। मैं आज इन सबसे लड़ जाता, अकेला आ जाता मैं यहाँ पे, बस पकड़ के आ जाता मैं यहाँ पे, और भाई मैं लड़ जाता, कोई सी एक्टिंग नहीं करता। कुछ तो बोल दो कि भाई नहीं लड़ना पड़ता, कुछ नहीं होता। मतलब यार यहाँ तक आने के लिए मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड था यार, और आज मैं फाइनली यहाँ आ गया हूँ अपनी धनों को लेके इंडिया के लास्ट बॉर्डर तक। इसके बाद में रोड्स खत्म हो जाती हैं, सब चीजें समाप्त, फिर तो सीधा भैया पाकिस्तान ही है, और वहां तो हमें जाना है नहीं, तो लास्ट यहाँ तक विलेज तक आके और फिर यहाँ से चलेंगे वापस। इस विलेज को भी हमारी इंडियन आर्मी ने 1971 की वॉर में ही लिया था, टोरुटुक विलेज के साथ में ही इसको भी वापस हासिल किया था। ये विलेज भी पाकिस्तान के कब्जे में था लगभग 22-23 साल तक, लेकिन अब ये हमारे हिंदुस्तान में है, इंडिया। ये हमारा ही पार्ट था जो हमसे छीना गया था, और अब वापस हमारे पास है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हम सिर्फ 2.5 किलोमीटर दूर हैं, 2.5 किलोमीटर पीओके से, ओनली 2.5 किलोमीटर्स। ये है लास्ट सड़क इंडिया की तरफ से, इंडिया के इसके बाद में सड़क नहीं है, इसके बाद सीधा पाकिस्तान है। We are at point zero है, इसके आगे कोई कुछ नहीं, खत्म है इसके आगे, point zero। Yes brother, yes, we are at point zero। यहाँ पे हिंदुस्तान की सड़कें खत्म हो जाती हैं और पाकिस्तान दिखता है यहाँ से। यहाँ जो नीचे येलो कलर का बैंकर दिख रहे सर, ये रूसी है सर, नो मैंस लैंड, ये अपना इंडिया का है सर। अच्छा, ये रिवर के पानी जा रहे हैं सर नदी का, ये शयो नदी है सर, शयो नदी का उस तरफ ग्रीन दिख रहे हैं सर, ऊपर नीचे दूर वो पाकिस्तान है सर, उसका नाम थानो विलेज बोलते हैं सर, उधर बोर्ड पे लिखा हुआ है सर, आप लोग पढ़ सकते हैं सर। यहाँ जो नीचे ग्रीन है सर, रिवर के उस तरफ जो नीचे मैदान पे ग्रीन है सर, ग्रीन के ऊपर माउंटेन पे देख लो सर, जिक लाइन रास्ता दिख रहा है ना सर, ऊपर माउंटेन पे देख लो सर, वो रास्ते की एंड पे देख लो सर, उन लोग का बैंकर है सर, उन लोग का सोल्जर बैठते हैं सर, पूरा माउंटेन पे अपना इंडिया लोग बैठते हैं सर। यहाँ जो सामने व्हाइट कलर बैंकर दो है सर, और उधर नीचे भी है सर, इधर भी है सर, ये अपना इंडिया का है सर, उनके सामने ये अपना इंडिया का है सर, ये पूरा पीक पे पाकिस्तानी लोग बैठते हैं सर, सामने पीक पे। ये सारा हाँ सर, ये सारा पाकिस्तान का है ना सर जी,
यहाँ जो पोल लगा हुआ है सर, ये पोल लगा हुआ है सर नीचे नीचे। इतना पास में रहता पाकिस्तान? हाँ सर, ये LOC है सर, इधर में सर ये पाकिस्तानी ऊपर चढ़ के ये एरिया अपना इंडिया का है सर जी, ये यहाँ पोल लगा हुआ है सर, ये LOC है सर नो मैंस लैंड, ये अपना इंडिया का है सर जी। वहाँ देख लो सर W जैसा पहाड़ दिख रहे ना सर, वो पीक पे देख लो सर हम लोग दूरबीन से, उन लोग का फ्लैग उतार लिया सर, फ्लैग का पोल उधर जो डंडा जैसा है ना सर जी, वो पीक पे है ना सर जी, आप लोग दूरबीन से देख सकते हैं ना सर, वो पीक पे है ना सर W जैसा पहाड़ पे। यहाँ पीछे देख लो सर, ये पूरा पीक पे अपना इंडिया लोग बैठते हैं सर, यहाँ जो सामने बैंकर देख रहे हैं सर, हरियाली देख रहे हैं ना सर जी, ये अपना इंडिया का है सर, वो पीक पे भी अपना इंडिया वाला बैठते हैं ना सर जी। जो आप लोग उधर मेरे टेबल पे लेके आना सर, आप लोग को जो जो ग्रीन एरिया देख रहे हो ना, ये ग्रीन एरिया ये वाला, ये पाकिस्तान है, फरानो विलेज है ये, फरानो या फरानो विलेज है पाकिस्तान का। तो ये जो रिवर देख रहे हो, रिवर के इस तरफ में जो ग्रीन एरिया ये सारा पाकिस्तान है, और पाकिस्तान ये सारा यहाँ पे पाकिस्तानी बैठते हैं, ये सारा LOC का एरिया है, ये यहाँ पे पोल्स लगे हुए हैं, अगर पोल्स देख रहे हो ये देखो, ये लगे हुए ना पोल्स, इसके इस तरफ में इंडिया है, इस तरफ में नो मैंस लैंड है, और उस तरफ भी पोल्स लगा हुआ है, और उस तरफ में सारा पाकिस्तान है। तो इतना करीब आ चुका है पाकिस्तान, इतना करीब, और इधर में है पाकिस्तानी विलेज, ये यहाँ पे दिख रहा है, बाइनोकुलर से देखोगे तो दिख जाएगा, मैं फ़ोटो लेने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आगे फ़ोटो तो दिखाऊँगा आपको, रुको करूँ बाइनोकुलर से देख रहे हैं यार, पाकिस्तान का गाँव भी दिख रहा है, और वहाँ पर जो इनके बैंगर हैं, बैंगर जहाँ पर इनके सोल्जर्स रहते हैं वो भी दिख रहा है, और ये लाइन ऑफ कंट्रोल इतना है, इसके बाद में पाकिस्तान लग जाता है। लास्ट विलेज ऑफ इंडिया नहीं, ये है फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया। थैंक THANG एंड वी थैंक यू इंडियन आर्मी कि आपने हमारा हिस्सा जो हमारा ही था वो वापस आपने पाकिस्तान के कब्जे से लिया। अब बारी है सिर्फ और सिर्फ कुछ और कदम उठाने की, आई एम श्योर वो आप करोगे। तो कुछ पिक्चर्स क्लिक कराते हैं, कुछ फोटोग्राफ्स लेते हैं, कुछ थोड़ा सा यहाँ पे शॉपिंग करते हैं, और फिर चलते हैं यहाँ पे। तो ये 0 पॉइंट पे आप गाड़ी खड़ी कर सकते हो, मैंने यहाँ से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, मिक्स ड्राई फ्रूट्स जो यहीं के हैं, यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स है, आप इन शॉप्स में से कहीं से भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, साथ ही साथ यहाँ कैफेटेरिया है, थोड़ा बहुत कुछ खाने का मन करे, बैठने का भूख हो तो यहाँ पे आराम से बैठ के खा सकते हो। ये सारे पहाड़ इंडिया के हैं, ये भी इंडिया के हैं, बट LOC के उधर में उस तरफ में वो पाकिस्तान के पहाड़ है, तो पहाड़ों में भी बंटवारा हो गया। ये है लास्ट ज़मीन ऑफ इंडिया, इसके आगे इंडिया की कोई ज़मीन नहीं है, लास्ट ज़मीन ऑफ इंडिया। ये यहाँ तक ही हमारे हैं, ये हमारे हैं, ये भी हमारे हैं, ये बीच वाला जो देख रहे हो ना, ये जो ऐसे तिरछी लाइन आ रही है, इसके बाद वाला हाँ उधर ये वाला पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पहाड़ भी दिख रहे हैं तुम्हें। तो टाइम हो रहा है 3:15 और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, ये है पाकिस्तान के पहाड़, बाय बाय भाई, बाय बाय, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं वापस अपने घर दिल्ली के लिए। इंडिया, आई लव माई कंट्री, आई लव माई इंडिया।